बच्चों, एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत है एसटीएस विद्यापीठ इलाहाबाद यूट्यूब चैनल में। मैं एएन वर्मा एसटीएस विद्यापीठ से। आज मैं आपको कक्षा दो विषय हिंदी व्याकरण का अध्याय दो वर्ण के बारे में पढ़ाऊंगा। वर्ण इस पाठ में है जो हमें पढ़ना है। वर्ण, वर्णों के प्रकार और वर्णमाला। प्यारे बच्चों, जब हम कुछ न कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ न कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। कहा गया है, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। सही बात है, अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलेंगी नहीं। जैसे गमला, अगर हम बोलें तो हमारे मुख से गमला शब्द निकला है, अगला आदमी हमारी बातों को समझ जाएगा। और किसान, यानी कि किसान शब्द भी अगर हम बोलें तो अगला व्यक्ति उसे समझ जाएगा। यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, उसे ही हम वर्ण के रूप में कहते हैं। देखिए, उपरोक्त चित्रों के नाम बोलने पर हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। उपरोक्त चित्र के नाम बोलने पर हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ, जैसे पहले हमने आपको गमला शब्द बताया। गमला, देखिए गमला को किस प्रकार कैसे विभाजित किया गया है। ग धन अ धन म धन अ धन ल धन आ, यानी कि इसे पढ़ेंगे हम गमला। देखिए ग शब्द में अ छुपा हुआ है लेकिन यहाँ पे दर्शाया नहीं है। जैसे गमला, म में भी अ है और ल के बाद आ का मात्रा लगा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, गमला। अगला शब्द है किसान। क पे देखिए ई का मात्रा लगा हुआ है, छोटी ई की स सपर आ का मात्रा लगा हुआ है। आ धन न धन आ, यानी कि न में भी आ का उच्चारण आता है। उस प्रकार हमें क धन ई धन स धन अ धन न धन आ क्या हो गया है, किसान। इसे हम किसान पढ़ेंगे। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके और टुकड़ा हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। किसान शब्द के इन ध्वनियों को हम और अन्य टुकड़ों में नहीं कर पाएंगे। देखिए कहा गया है वर्ण क्या है, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनियाँ, यानी भाषा की जो छोटी से छोटी ध्वनियाँ होती हैं जिसे टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी जिसे हम और आप कोई भी उसे टुकड़ा नहीं कर पाते, ऐसे को वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी सी छोटी ध्वनियाँ जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। अब देखिए वर्णों के प्रकार। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, इससे पहले भी आप लोग पढ़े होंगे पिछले कक्षाओं में भी। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब स्वर क्या है, देखिए स्वरों के बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है, यानी स्वरों को बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जा सकता है, इसमें वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। कितना है, स्वरों की संख्या 11। कहा गया है स्वरों को बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला, बिना किसी वर्ण की सहायता के बोला जा सकता है। हिंदी भाषा के स्वरों की संख्या कुल 11 हैं। कौन कौन से हैं वह स्वरों की संख्या, आइए पढ़ते हैं। स्वरों की संख्या है अ आ
ई ई उ ऊ ऋ ए ओ औ। ये जो 11 हैं स्वरों की संख्या है। उन स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में 11 स्वरों की संख्या होती हैं। अब आइए व्यंजन। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। जिस प्रकार स्वर में व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती, उसी प्रकार व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। यहाँ पे व्यंजन स्वर की सहायता लेती है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, जिसे आप सभी लोग इसे पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। कौन कौन से हैं देखिए, क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ आड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व स स स ह। ये जो है 33 वह व्यंजनों की संख्या है। कुछ रोचक जानकारियाँ भी दी हुई है, जिसे हमें जानने की अति आवश्यकता भी है। यह भी जाने, यानी कि इसे भी जाने। सभी व्यंजनों के अ की ध्वनि जुड़ी हुई होती है, जैसे क धन अ क होता है। यदि किसी व्यंजन में से अ की ध्वनि निकाल दी जाए तो वह व्यंजन आधा रह जाता है। अगर उसको वह ध्वनि निकाल दी जाए, अ की ध्वनि निकाल दी जाती है, तो व्यंजन क्या रह जाता है? आधा हो जाता है। जैसे क ऋण अ बराबर क। लेकिन यदि क और अ को जोड़ दिया जाए तो फिर पूरा क हो जाता है। जैसे क धन अ बराबर क। उसी प्रकार हर ध्वनि में अ को जोड़ा जाए तो वह पूर्ण हो जाता है, वह ध्वनि पूरा हो जाता है। उपरोक्त वर्णों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में कुछ वर्ण और भी हैं, यानी हिंदी भाषा में कुछ वर्ण और भी हैं, जैसे अंग, अपे चंद्र बिंदी लगा हुआ है, तथा अह वर्णों को आयोगवाह वर्ण कहते हैं, यानी कि इन वर्णों को आयोगवाह कहते हैं और यह स्वर में आते हैं। अगला है छ, त्र, ज्ञा तथा स्र वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये वर्ण दो वर्णों से मिलकर बने हैं। ये जो है दो वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे दिया है देखिए, छ दिया है, क स यानी कि कच्छा, क धन स यानी कि कच्छा, हमारे वाक्य में ही आ रहा है दो वर्ण पक्ष। अगला है त्र है देखिए, त्र अर त्र यानी पत्र, मित्र। ये दो ध्वनिया हैं, दो वर्णों से मिलकर बने हैं। ज्ञा है जैसे ज धन या यानी ज्ञान, विज्ञान। स्र है देखिए, बड़ा स है और र है, उस हिसाब से स्र बन गया, यानी कि श्रम और श्री भी इसे कह सकते। ये दो वर्णों से मिलकर ही बना हुआ है। और एक रोचक बात यह है, अंगा तथा ढ वर्णों को अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। ये वर्णों से हटके है, इसलिए इसे हम अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। ये ड तथा ढ के विकसित रूप हैं। ये दो अंग जो है, अंगा तथा ढ जो है, क्या है? ड तथा ढ के विकसित रूप हैं। ये सब आपको जानने वाली बातें हैं। अब आइए वर्णमाला की तरह मैं ले चलता हूँ। प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। जितने भी भाषा हैं
उन सब में अनेक वर्ण होते हैं। हिंदी की वर्णमाला स्वरों तथा व्यंजनों के व्यवस्थित क्रम से बनी हुई है, यानी हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर तथा व्यंजनों की के व्यवस्थित क्रम में बना हुआ है। हिंदी की वर्णमाला में कुल 48 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? कुल 48 वर्ण हैं। अब आप सोचेंगे कि 33 व्यंजन हैं और 11 स्वर हैं, तो 48 कैसे आ जाएंगे? बिल्कुल सही, 33 वर्ण है और 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं और 11 स्वर हैं, ये 44 ही हुए। लेकिन चार कौन हैं तो आपको मैं बता दूं, चार जो है वो छ, ञ, त्र और स्र है, यानी छ, ञ और त्र और स्र हैं, ये जो हैं मिलके चार और हो गए, तो क्या हो गया? 44 चार 48 हो गए। देखिए हमने सीखा, आप लोगों को हमने आपको पढ़ाया, आप लोगों ने क्या क्या सीखा? भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर तथा व्यंजन। स्वर 11 और व्यंजन 33 होते हैं। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि जुड़ी हुई होती है। तो सबसे अहम बात यह है प्यारे बच्चों कि सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि जुड़ी हुई होती है। अगर अ की ध्वनि जिस व्यंजन में जुड़ा नहीं है वहाँ पे वह वर्ण पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि जुड़ी हुई होती है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ यह पाठ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।